यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक कहानियाँ बनाता है। हम बच्चों अंडर 18 को सामग्री नहीं बनाते हैं। 18 प्लस या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है। आकांक्षा विक्रम से बहुत प्यार करती है, लेकिन विक्रम सिमरन से प्यार करता था। विक्रम और सिमरन दोनों की शादी हो गई और आकांक्षा अकेली रह गई। आकांक्षा विक्रम की शादी से बहुत गुस्सा थी। तभी एक दिन आकांक्षा, अब तो बहुत हुआ, मैंने इतने दिन तक विक्रम को दिलो जान से चाहा है और उसने मेरी आंखों के सामने उस दो कौड़ी के सिमरन से शादी कर ली। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आकांक्षा विक्रम और सिमरन की जिंदगी को तबाह करने का तरकीब सोचने लगती है। तभी उसी वक्त उसकी सहेली काजल आती है। क्या कर रही है आकांक्षा, बहुत गुस्से में लग रही है, क्या बात है? तू कब आई, पता ही नहीं चला, आना बैठ। लेकिन बात क्या है, तेरे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? तुझे तो पता है ना काजल, मैं विक्रम को कितना पसंद करती थी, लेकिन उसने मुझसे शादी ना करके उस सिमरन से शादी कर ली, बस इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस इतनी सी बात है यार, मैं हूं ना वो दोस्त किस काम के जो दूसरे दोस्त का प्रॉब्लम ही सॉल्व ना कर पाए। मेरे पास एक अच्छा तरकीब है विक्रम के पास तुझे पहुंचाने का। कौन सा तरकीब है, जल्दी बताना। विक्रम का छोटा भाई राहुल मेरे भाई का दोस्त है और वो मेरे घर आना जाना भी करता है। क्यों ना तो राहुल को अपने प्यार में घायल कर दे और वो तुझसे शादी कर ले, फिर तो विक्रम तक आसानी से पहुंच सकती है। बात तो सही कही तूने, चल तेरे घर चलते हैं। दोनों स्कूटी लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, राहुल और काजल का भाई संदीप दोनों हॉल में ही बैठे रहते हैं। राहुल थोड़ा शर्मीला लड़का था, जैसे ही वो काजल और आकांक्षा को देखता है, संदीप अब मैं घर चलता हूँ, कल मिलते हैं। पर राहुल इतनी जल्दी क्यों है जाने का? संदीप के ऐसे बोलते तक वो निकल जाता है। तभी काजल कहती है, जा राहुल के पीछे जा स्कूटी लेकर और उससे बात करना। आकांक्षा भी उसके पीछे चली जाती है। दीदी ये सब क्या चल रहा है? छोड़ना दोनों को जाने दे, चल मैं तुझे मैगी बनाकर खिलाती हूँ। क्या सच में दीदी? हाँ सच में। इसके पीछे तो आ गई, लेकिन अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइडिया, आकांक्षा स्कूटी स्पीड में भगाती है और थोड़े ही दूर में जाकर रुक जाती है। वही बगल में राहुल अपनी बाइक रोकता है। तुम तो वही हो ना जो मैंने अभी संदीप के घर काजल के साथ देखा? हाँ मैं काजल की दोस्त हूँ। अच्छा तुम्हारी स्कूटी को क्या हुआ है? पता नहीं, चलते चलते अचानक से रुक गया, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे स्कूटी को गैरेज में छुड़वा दूंगा। ठीक है तुम मुझे घर छोड़ दो। राहुल आकांक्षा को अपनी सॉलिड बाइक पर बिठा कर निकल जाता है। तभी आकांक्षा, सुनो जरा साइड में रुकना तो, क्या तुम कैफे में थोड़ा बैठना पसंद करोगे? इस कैफे में बहुत ही शांति होती है। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। आकांक्षा और राहुल कैफे में बैठे होते हैं। तभी आकांक्षा, राहुल क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? क्या कहा तुमने, मजाक काफी अच्छा कर लेती हो तुम। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? राहुल तभी मन में सोचने लगता है। घर के लोग भी बार बार मुझे ताना मारते रहते हैं कि शादी कर ले शादी कर ले, और यह दिखने में भी उतनी बुरी नहीं है। तभी राहुल कहता है, तो क्या हम मंदिर में शादी करें? दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आकांक्षा का पहला प्लानिंग पूरा हुआ, अब वो दूसरे प्लानिंग को अंजाम देना चाह रही थी। तभी आकांक्षा कहती है, राहुल तुम्हारे घर में तुम अकेले रहते हो क्या, कोई दिख नहीं रहा है? नहीं अकेले नहीं रहता हूँ, मेरे भैया भाभी भी साथ ही रहते हैं, उनकी भी अभी अभी शादी हुई है तो दोनों हनीमून के लिए बाहर गए हुए हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। तुम जाओ, तब तक फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं उतने से होटल से खाना ले आता हूँ हम दोनों के लिए। आकांक्षा बाथरूम में नहाते नहाते बड़बड़ाते रहती है, हनीमून मनाने गए हो ना तो आओ वहाँ से, तुम्हें अच्छा सरप्राइज मिलेगा। कुछ ही दिनों में विक्रम और सिमरन हनीमून से लौटते हैं। विक्रम जैसे ही घर की बेल की घंटी बजाता है, आकांक्षा दरवाजा खोलती है। विक्रम हैरान रह जाता है। तुम यहाँ कैसे? स्वागत है जेठ जी आपका और जेठानी जी, कैसा रहा आप दोनों का हनीमून? क्या बोला तुमने जेठ, ये क्या बकवास कर रही हो? भैया आकांक्षा सही कह रही है,
वह इस घर की छोटी बहू है, मैंने उससे शादी कर ली है। देवर्षि आपने शादी कर ली, वाओ बहुत अच्छी बात है ये तो। आइए देवरानी साहिबा, अब आप मेरी छोटी बहन है, आज से हम अच्छे से रहेंगे। सिमरन आकांक्षा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे ये नहीं पता रहता है कि वो लड़की उसका घर उजाड़ने आई है। सब कुछ अच्छे से चलते रहता है, तभी एक दिन सिमरन रोते हुए विक्रम के पास आती है। सुनिए जी, मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि बचने की उम्मीद छूट गई है, अब मैं क्या करूँ? सिमरन बहुत रोने लगती है। तुम चाहती क्या हो बताओ? मैं कुछ दिन के लिए माँ के पास जाना चाहती हूँ, कम से कम उनके आखिरी पल में तो उनका सेवा कर सकूं। लेकिन सिमरन मैं नहीं जा पाऊंगा, काम का सिलसिला बहुत ही बढ़ गया है, मैं छोड़कर नहीं जा सकता। तो माँ जी को मेरे तरफ से प्रणाम करना और उन्हें हौसला देना, ठीक है? दूसरे दिन विक्रम सिमरन को रेलवे स्टेशन छोड़कर आता है। अब आकांक्षा को विक्रम के करीब जाने का मौका मिल जाता है। तभी एक दिन आकांक्षा और राहुल सोए रहते हैं। राहुल काफी गहरी नींद में था, तभी आकांक्षा चुपचाप उठकर अपने जेठ विक्रम के कमरे में चली जाती है। विक्रम अपने कमरे में नहीं रहता, वह बाथरूम में नहाते रहता है। आकांक्षा विक्रम के बाथरूम में चली जाती है टॉवेल में, और विक्रम के टब में नहाने उतर जाती है। आकांक्षा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा जेठ हूँ, तुम्हें जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। अब बस करो ये जेठ जेठ का नाम जपना, सबसे पहले तुम मेरे पहले प्यार हो, और आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे अपना लो, मेरे में क्या कमी है? आकांक्षा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैंने तुम्हें उसी वक्त बता दिया था कि मैं तुम्हें नहीं सिमरन को पसंद करता हूँ। तुम उस दो कौड़ी के लड़के के लिए मुझे छोड़ोगे? अभी भी मौका है हमारे पास, सोच लो तो। और वह टब से निकल कर अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन को गए हुए काफी महीना हो गया था, अब विक्रम की जिंदगी काम से घर और घर से काम ही था। वो अपने जिंदगी से बहुत ही बोर हो चुका था। अब राहुल और आकांक्षा में प्यार जैसी मिठास घुल रही थी। अब आकांक्षा में विक्रम को भूलकर राहुल के साथ आगे बढ़ने का सोच रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आकांक्षा कुछ न कर सकी। विक्रम आकांक्षा के कमरे में आता है और उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। राहुल इतनी गहराई से सोता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। विक्रम आकांक्षा को अपने बिस्तर में लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में सो जाता है। थोड़ी ही देर में आकांक्षा का नींद टूटता है, तो वह देखती है कि उसके बगल में राहुल नहीं विक्रम है। वह उठ जाती है। विक्रम, मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हें यहाँ मैंने लाया है, तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो सोचा कि तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूं। शायद तुम ये भूल कर रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं अब राहुल को पसंद करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पसंद किया था तब तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं राहुल के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। आज के बाद ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश मत करना मेरे साथ, समझे तुम? और वह अपने कमरे में चली जाती है। सुबह हो जाती है। वो बोलते हैं ना कि पहले प्यार को भूलना मुश्किल होता है, कुछ ऐसा ही हाल आकांक्षा का भी था। वह सोफे में बैठकर रात के बारे में सोच रही थी, क्या मुझे आज भी विक्रम पसंद है? तभी वहाँ विक्रम आता है। आज तो गुलाब की तरह लग रही हो, क्या बात है? मुझे झूठा तारीफ पसंद नहीं है, क्या काम है बताओ? तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? यही कि मैंने राहुल को कुछ हफ्ते के लिए सिंगापुर भेज दिया है। काम के सिलसिले से अब घर में सिर्फ तुम और मैं हैं। अब तुम खुद को मत रोकना मेरे करीब आने के लिए, मैं तुम्हें खोकर पछताना नहीं चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। आकांक्षा को खुशी भी होती है और राहुल के जाने पर थोड़ा दुख भी लगता है, लेकिन खुशी ज्यादा होती है। अब विक्रम और आकांक्षा एक ही बिस्तर में रात काटते थे और दोनों जेठ बहू भूल चुके थे कि वह शादीशुदा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पार्टनर के लिए हर सिचुएशन में लॉयल रहना चाहिए और अपने प्यार का इंतजार करना चाहिए। सच्चा प्यार अक्सर इंतजार करता है, और जो किसी और पर फिसल जाए वो कभी सच्चा प्यार था ही नहीं।